हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। एज़ यू नो, आवर सैलरी सीरीज इज़ गोइंग ऑन, इन विच आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑफर्ड बाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो रिसेंटली वन ऑफ आवर व्यूअर्स हैज़ आस्क्ड टू मेक अ वीडियो ऑन टैक्स कैलकुलेशन, दैट हाउ टैक्स इज कैलकुलेटेड फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सो टूडेज वीडियोज इज़ रिगार्डिंग द सेम, एंड एज फार एज आवर सैलरी सीरीज इज़ कंसर्न, I will continue to make videos. I also request you to please subscribe the channel, that as you know our channel is new channel, so your subscription gives me a kind of motivation to make more videos. So if you guys find the information as important information, so please subscribe the channel and do watch the video. तो अभी आपके सामने एक शीट आ रही होगी, पहली नजर में देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। ये मैंने आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बनाई हुई है ताकि आप समझ सकें कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये समझना आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप सर्विस में आएंगे, जब आपको सैलरी मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी का कितना पार्ट टैक्स में जा रहा है और आप उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि टैक्स प्लानिंग और इंश्योरेंस, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक होती हैं, तो ये सभी को आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप इसे देखिए और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाएगी तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको एक तरफ से समझाना शुरू करता हूं, थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको ये दिखे। यहां पे मैंने देखिए ऊपर लिखा हुआ है टैक्स कैलकुलेशन ऑफ 4600 ग्रेड पे लेवल 7 इन एक्स सिटी। तो ये 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर्स या सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स, जो भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है पे लेवल 7 की, उनकी सैलरी में क्या टैक्स कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, और वो एक्स सिटी के लिए है। तो अगर वाई सिटी और जेड सिटी की बात करें तो उसमें ये एचआरए और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये दो चीजें चेंज हो जाती हैं, बल्कि कम हो जाती हैं, तो उनका टैक्स जो है वो इनसे कम ही होगा। बाकी जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप उनका टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। तो आप पूरी शीट पर फोकस मत कीजिए, मैं आपको एक तरफ से समझाऊंगा तो वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। अब देखिए यहां पे मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है 2021 से लेकर 2022। यहां पे मैंने मार्च और फरवरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता है वो टैक्स का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन जो मार्च की सैलरी होती है वो 1 अप्रैल को आती है, इसलिए वो फाइनेंशियल ईयर में जोड़ी जाती है। अब यहाँ पे फरवरी पे एंड इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी आपका टैक्स डिडक्ट होगा एक फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का, वो फरवरी तक ही कर लिया जाएगा। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मार्च की सैलरी है वो अप्रैल के बजट से काउंट होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। अभी आपकी जिसकी कुछ लोगों की नई ज्वाइनिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि आपका पूरा ईयर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे किसी की ज्वाइनिंग सितंबर या अक्टूबर में हुई तो वो मार्च या मार्च तक 31 मार्च तक 12 महीने नहीं होंगे, तो जो उनकी सैलरी होगी वो ऑलरेडी 5 लाख से कम होगी, तो उसमें टैक्स वैसे भी निल रहेगा। इसलिए मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब एक तरफ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहले हम ड्यूज की बात करेंगे। ये आपके सारे ड्यूज हैं, इस पर ये मैंने बेसिक पे ली हुई है 44900 है, 44900 है। ये अप्रैल और अक्टूबर इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डेज में डीए डिक्लेयर किया जाता था, अभी कोविड की वजह से डीए बंद है, तो अप्रैल इसलिए दो बार लिखा हुआ है। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो, अप्रैल में जो डीए आता है और फिर अक्टूबर में डीए का ऑर्डर आते हैं, इसलिए खाली छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये बेसिक बड़ी क्यों, क्योंकि साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो किसी को जुलाई में मिलता है और किसी को जनवरी में मिलता है। उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमें कुछ तो सपोज करना था, इसलिए मैंने जनवरी सपोज किया है कि जनवरी में आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट हमेशा 3% का होता है, तो 44900 है तो उसका 3% आप इसमें ऐड करेंगे तो 1300 रुपए के अप्रोक्स आएगा, वो 46200 आपका नया बेसिक हो जाएगा। फिर ये एचआरए है, तो चूंकि हमने एक्स सिटी की बात की थी जैसे मैंने आपको बताया, तो ये 24% लिया हुआ है, तो ये पूरा एचआरए है, ये बेसिक का 24% है। यहाँ पे बेसिक बढ़ गई इसलिए एचआरए भी बढ़ गया। अब हम डीए की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी डीए 17% चल रहा है और आगे जब भी डिक्लेयर होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होगी, इसलिए मैंने 17% पे ही पूरे साल का कैलकुलेट किया हुआ है। आगे जो भी चेंज होगा ये मैंने फर्स्ट डीए और सेकंड डीए जीरो किया हुआ है क्योंकि अभी हम अपने तरफ से इसको नहीं मान सकते। ये डीए हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मैंने सैलरी वाले वीडियो में भी बनाया था, ये आपका पूरे साल का ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिलता है, ये आपका डीए हो गया।
न्यूज़पेपर और मैगजीन का किसी पोस्ट में मिलता है, कभी नहीं मिलता, किसी ऑफिस में मिलता है, इसलिए मैंने इसको जीरो किया हुआ है। नॉर्मली ये गेजेटेड पोस्ट में मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ जीरो किया हुआ है। ये 500 रुपीज के आसपास होता है। तो ये आपकी हो गई ग्रॉस पे, तो ये आपकी ग्रॉस पे हो गई। तो अगर हम ग्रॉस देखते हैं तो पूरे साल में आपको 8,13,918 रुपए, ये आपकी ग्रॉस पे होती है। तो हमने ड्यू समझ लिए, अब हम डिडक्शंस देखेंगे। अब हम डिडक्शन का पार्ट देखेंगे। डिडक्शन में प्रोमिनेंट जो सबसे पहला एनपीएस, फिर जीआईएस इंश्योरेंस, एसोसिएशन हर ऑफिस का अलग होता है, सभी का डिडक्शन होता है, कहीं 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, बस इससे ज्यादा कहीं नहीं डिडक्ट होता। और ये सीजीएचएस, तो ये आपके हर महीने की सैलरी का डिडक्शन है। तो ये नेट डिडक्शन है, और ये भी मैंने पूरे 12 महीने का कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे डिडक्शन हो गए हमारे, और यहाँ पे डिडक्शन का हमने ग्रॉस किया हुआ है। तो ये आपकी नेट पे हुई थी पूरे साल की 8,13,918। ये पूरे साल के डिडक्शन हैं 72,100। अभी इसमें इनकम टैक्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम टैक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। और ग्रॉस में से नेट डिडक्शन माइनस करेंगे तो हमारी नेट पे आएगी, जो कि प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स नहीं है, प्री टैक्स है। ये प्री टैक्स है इन, और ये 7,41,818 रुपए, ये आपकी प्री टैक्स जो है वो इनकम हो गई। तो ये मैंने आपको सैलरी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चूंकि इनकम टैक्स समझ रहे हैं, तो इनकम टैक्स समझने के लिए हमें पहले इनकम को समझना पड़ेगा, इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब हम इनकम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो हम इनकम टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपकी ग्रॉस इनकम लिखी जाती है। ग्रॉस इनकम मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ से 8,13,918 रुपए जो आपको पूरे साल में मिली थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी यहाँ पे। ये यहाँ पे इनकम कैलकुलेशन में लिख लिया। बोनस, बोनस नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज को मिलता है, ये 17,951 कैसे लिखा है, तो ये रेलवे में बोनस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, इसलिए 17,951 है। बाकी जो भी पोस्ट, जो भी अलग पोस्ट होती है, वहां 7,000 रुपए मिलता है, 6,900 समथिंग है, 7,000 है, और यहाँ 17,951 है। ये आपकी इनकम में ऐड होगा, क्योंकि ये भी आपको साल में मिला है। अब एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। सपोज आपका, आपको कोई ऑफिस की तरफ से कोई आपको ऑनरेरियम मिलता है, या कोई आपने अच्छा काम किया तो आपको कैश अवार्ड मिलता है, तो वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। सपोज आपको 5,000 रुपए का कोई कैश अवार्ड मिला पूरे साल में, तो यहाँ पे आपकी इनकम में वो बढ़ा दिया जाएगा। मैंने इसको जीरो लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, आपकी इनकम में जैसे सपोज आपके पास कोई ऐसा घर है जिससे आपको रेंट मिलता है, कोई ऐसी शॉप है जिससे आपको रेंट मिलता है, तो वो आपको डिक्लेयर करना होता है। वो आप डिक्लेयर करेंगे तो वो आपकी इसमें इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अभी के लिए हमारे पास इनकम में सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो हमारी जो ऑफिस से सैलरी मिलती है वो मैंने लिखी 8,13,000, और दूसरा बोनस ऑफिस से मिलता है, इसलिए मैंने ये रेलवे के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, इसलिए 17,000 लिखा हुआ है। आप जब अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो इसे आप अपने बोनस के अकॉर्डिंग लिख लें। तो अगर हम देखें तो 8,13,000 में ये इनकम ऐड हो गई, तो टोटल इनकम हमारी 8,31,000 हो गई है। तो ये हमारी ग्रॉस इनकम हुई है। अब हम डिडक्शंस को समझेंगे। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे ये डिडक्शन क्यों किए जाते हैं। डिडक्शन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिबेट्स दी जाती हैं कि गवर्नमेंट हमें सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस देती है, ताकि हम उनमें इन्वेस्ट करके, सेविंग करके हम अपनी इनकम को आगे ग्रो कर सकें। तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमें उसमें टैक्स में रिबेट देती है कि अगर हम इनको सेव करेंगे तो हमें उस पर टैक्स फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि नाम से है, स्टैंडर्ड है, वो आपने मिलना ही मिलना है। आपकी जो भी इनकम होगी उसमें 50,000 रुपए सीधे घटा दिया जाता है, ऑफिस की तरफ से ही वो घटा दिया जाएगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होता। दूसरा एचआरए रिबेट, एचआरए रिबेट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ एचआरए रिबेट क्या होती है। एचआरए रिबेट तीन तरीके से कैलकुलेट होती है, और उसमें जो सबसे कम अमाउंट होता है वो आपको एज ए रिबेट मिलता है। तो वो तीन क्या क्या होते हैं, पहला तो आपका एक्चुअल एचआरए होता है। एक्चुअल एचआरए ये है 1,29,000। तो ये कहां से लिया, ये आपको जो पूरे साल एचआरए मिला था, अगर आप देखेंगे ये देखिए, ये आपको पूरे साल जो एचआरए मिला था 1,29,936, तो ये वही अमाउंट है, तो यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सेस ऑफ 10%, ये इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको
जो भी आप एचआरए पे कर रहे हैं, जो भी आप एचआरए पे कर रहे हैं उसमें आपकी बेसिक और डीए इसका 10% सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो भी आप एचआरए पे कर रहे हैं, सपोज आपने कोई रूम लिया हुआ रेंट पे और आप उसको 10,000 रुपए रेंट देते हैं, उसको उसमें से पूरे साल का 1,20,000 हो गया, उसमें से आपकी जो बेसिक और डीए है, तो बेसिक और डीए क्या हुई पूरी साल की, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी, तो ये आपकी बेसिक है 5,41,400 और ये आपका डीए है 92,000। इसको हम सम कर देते हैं, सपोज जो भी आता है, सपोज हम एक पल मान लेते हैं कि 6.5 लाख आया, तो उसका 10% निकाल लेते हैं, उसका 10% हो गया 6 लाख, 6.5 लाख का 10% हो गया 65,000, वो आपके एचआरए में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जो भी आपने रेंट दिया हुआ है पूरे साल। तो दूसरी कैलकुलेशन ये होती है, पहला आपका एक्चुअल एचआरए, दूसरा आपका ये 10%, और ये 50%, ये 50% ऑफ बेसिक एंड डीए होता है। तो जो भी आपका बेसिक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जो भी आपका बेसिक है ये 5,41,400 और जो भी डीए है, ये आपका डीए है, बीच से कंफ्यूज नहीं होना, ये एचआरए, ये डीए है 92,000, इसको जोड़ दिया जाता है और इसका 50%, एक सिटी में है तो 50% करते हैं, बाकी दूसरी सिटीज में है तो 40% करते हैं। तो ये तीन अमाउंट निकाले जाते हैं। अब इस तीन अमाउंट में जो सबसे कम होता है, तो ऑब्वियसली यही सबसे कम होता है, 36,256 रुपए जो भी आ रहा है, तो इसका आपको एक रिबेट, एचआरए रिबेट के नाम से दिया जाता है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से इसको इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये एचआरए रिबेट होता है, तो ये भी आपकी सैलरी से घटेगा। अब आता है सेविंग्स, एटीसी, एक सेक्शन होता है एटीसी जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आप किसी भी जो एटीसी में इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं, जैसे कि आपका पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप जो एलआईसी खरीदते हैं लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, उसके प्रीमियम्स होते हैं, और उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ एफडी होती हैं जो 5 साल की होती हैं, और उन अगर आप वो एफडी बाई करते हैं 5 साल के लिए, तो वो अमाउंट अगर आपने 1.5 लाख रुपए की एफडी बाई कर ली, तो आप उस साल 1.5 लाख रुपए का रिबेट दे सकते हैं। वो एफडी के पेपर्स आपको ऑफिस में उसकी कॉपी सबमिट करनी होती है। तो एक एटीसी की सेविंग्स रिबेट होती है। आपने जब भी सुना होगा टैक्स की डिमांड होती है बजट के टाइम पे, तो सब कहते हैं इस बार एटीसी की जो लिमिट है वो 1.5 से 2.5 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सबके अपने अपने अंदाज होते हैं। तो अभी एज ऑन डेट सेविंग्स एटीसी में जो है वो 1.5 लाख होती है। अब एनपीएस, एनपीएस गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है जो आपको सबको पता है कि 2004 के बाद से जो लोग सर्विस में आते हैं उनको एनपीएस मिलता है। तो एनपीएस को भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इसमें 50,000 तक टैक्स रिबेट देती है, मैक्सिमम लिमिट इसकी 50,000 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका ऑफिस की तरफ से ही जो आपका एनपीएस कटता है, एनपीएस डिडक्ट होता है, ये आपका एनपीएस का कॉलम था, डिडक्शंस में एनपीएस का कॉलम था, और इसमें टोटल देखिए 63,000 है, तो ये ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा है, तो इसलिए आप 50,000 की आपको रिबेट ऑटोमेटिक मिलेगी, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। तो यहां तक अभी हमने देखा। उसके बाद सीजीएचएस है, सीजीएचएस चूंकि एक हेल्थ स्कीम होती है, तो जो भी हेल्थ स्कीम होती है उसके प्रीमियम्स का में हमेशा छूट मिलती है, तो उसी के कारण ये जो आपने 650 रुपए हर महीने दिए थे, ये पूरे 12 महीने में 7,800 हो जाते हैं, तो यहाँ 7,800 का भी डिडक्शन होता है। उसके बाद जो आपने ये इंश्योरेंस सीजीजीआईएस लिया था, यहाँ पे देखिए ये सीजीजीआईएस जो लिया था 60-60 रुपए आपने पूरे साल जमा किए थे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सीजीजीआईएस लिया था और ये 720 रुपए हो गए थे, तो इसका भी आपको एक रिबेट मिल जाती है सीजीजीआईएस की। तो अगर हम डिडक्शंस देखें तो इस 50,000 के लिए आपने कुछ नहीं करना, इस एचआरए रिबेट के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको रिसीट देनी होती है कि आप इस फला फला एड्रेस पे रह रहे हैं और आपका ये रेंट है। तो नॉर्मली अगर आप एनुअल रेंट 1 लाख से ज्यादा शो करते हैं तो आपको आपके जो ओनर है जिनके वहां आप रेंट पे रहते हैं उनका पैन कार्ड दिखाना होता है। तो नॉर्मली लोग पैन कार्ड देने से बचते हैं ताकि उन्हें भी टैक्स में कैलकुलेट हो जाएंगे वो, तो इसलिए हम 1 लाख से कम करने के लिए इसको, 1 लाख को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 8,300 आता है। तो अगर 8,300 ही लोग दिखाते हैं ऑफिस में, कोई 8,000 दिखाता है, कोई 8,300 दिखाता है कि हम 8,300 रुपए ही रेंट देते हैं, तो ये और इसी 8,300 के अकॉर्डिंग ही ये कैलकुलेट हुआ है, इसलिए ये 36,000 आया है। इस पर मैं आपको अभी बाद में और एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी आपको रिसीट देनी होती है, आप अपने हाथ से लिख के दे सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे एड्रेस पे रहता हूँ और यहाँ पे मेरा रेंट जो है वो 8,300 या उससे कम जो भी आप देना चाहते हैं उतना है। अगर आप 8,300 से ज्यादा करेंगे तो साल में 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा, उसके लिए आपको आपके ओनर का पैन कार्ड देना होगा। फिर सेविंग्स एटीसी ये आपको करनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया, आप पीपीएफ में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में डालिए और एफडी कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये आपको करना होता है।
एनपीएस भी अपने आप हो जाता है, आपकी सैलरी से सीजीएचएस भी ऑटोमेटिक हो जाता है और सीजीजीआईएस भी हो जाता है 720। यहाँ पे मैंने डिडक्शन वन क्यों लिखा हुआ है, कुछ और ऐसी चीजें होती है जिनमें हमें इनकम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय रिबेट मिलती है। जैसे अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको प्रिंसिपल जो है उसकी भी छूट मिलती है और इंटरेस्ट पार्ट की भी छूट मिलती है। तो अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है तो वो उसको यहाँ पे जो भी उसने साल में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे किया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे किया है, तो उसको वो यहाँ पे लिख सकता है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद या फिर जितने भी डिडक्शन होंगे वो सारे जोड़ लिए जाएंगे, तो ये 50,000 से लेकर के 720 तक ये सारे जोड़ लिए जाते हैं, तो ये 2,94,000 हो गया और आपकी जो टोटल इनकम थी 8,31,000, इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपकी इनकम बचती है वो आपकी होती है टैक्सेबल इनकम, यानी अब इस इनकम पे गवर्नमेंट कहती है कि अब मुझे इस पे टैक्स चाहिए। नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने ये डिडक्शन दिए ये नॉर्मली सबको मिल जाते हैं। अब जैसे होम लोन सबके पास नहीं होता तो इसलिए होम लोन की रिबेट सबको नहीं मिलती, जिसके पास होम लोन है वो इसको रिबेट को ले सकता है। अब हमने इनकम कैलकुलेट करना समझा कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम का मतलब नॉर्मली एक तो आपकी ग्रॉस इनकम है, उसमें जो भी आपकी ईयरली और इनकम हुई, रेंट से हुई, या आपको कोई बोनस मिला, या आपको कोई कैश अवार्ड मिला, या आपको कोई इंटरेस्ट मिला, जैसे आपने कोई एफडी की हुई है और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसको भी आपको इसमें शो करना होगा। ये आपके डिडक्शंस हो गए, सारे डिडक्शंस हो गए, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब हम चूंकि इनकम आ गई, अब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो ये मैंने टैक्स कैलकुलेशन के लिए दो आपको बनाई हुई है, ये दो क्यों है, ये ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है और ऊपर न्यू टैक्स कैलकुलेशन लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि न्यू और ओल्ड क्या है। तो पहले हम ओल्ड को देखते हैं। ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन अभी तक चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई न्यू लेना चाहता है तो वो न्यू ले ले, और अगर कोई ओल्ड लेना चाहता है तो वो ओल्ड कैलकुलेशन ले सकता है। तो न्यू कैलकुलेशन अभी लास्ट ईयर जब बजट आया तब से शुरू हुई है। इसमें दो जो सबसे बड़े अंतर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो आप ओल्ड की स्लैब देखिए, इसमें 0 से 2.5 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, कि अगर आपकी जो भी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है उस पर आपका टैक्स 0 है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम है उसमें टैक्स जो है वो 5% है। फिर 5 से 10 लाख है तो सीधे आपका टैक्स 5 से 20% हो जाएगा, और 10 लाख के ऊपर जो भी है वो 30% आपका हो जाएगा टैक्स। अब हम न्यू में आते हैं, आप न्यू में देखिए, इसमें बहुत स्लैब्स हैं। 0 से 2.5 लाख तक 0 है, इसमें भी 2.5 से 5 लाख तक 5 है, यानी नीचे की तरह सेम ही है। फिर यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे ये 20 हो गया था, लेकिन न्यू में 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर जाने पे 30% होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन है, अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं तभी आपको ये जो सेविंग्स आपने यहाँ पे दिखाई हैं, यहाँ पे ये जो सारी सेविंग्स दिखाई हैं, ये 50,000 से लेकर के 720 तक, तभी आपको ये सारी सेविंग्स का भी फायदा मिलेगा। न्यू टैक्स कैलकुलेशन में आपको सेविंग्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स कैलकुलेशन लेंगे तो आपकी इनकम ये वाली कैलकुलेट की जाएगी। तो अभी शायद आपको लग रहा होगा कि फिर क्या फायदा है न्यू टैक्स कैलकुलेशन का। तो जब सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी सैलरी जब जिसकी सैलरी लगभग महीने की 1,20,000 के ऊपर होने लगती है, तो वहां पे जाके ये दोनों सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं, तो न्यू टैक्स कैलकुलेशन उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो जब तक हमारे पास ओल्ड का ऑप्शन है हम ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन ही लेंगे। मैं आपको दोनों टैक्स कैलकुलेशन से दिखाता हूँ कि कैसे आपका टैक्स में फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे चूंकि कोई सेविंग्स नहीं लेनी तो हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी 8,31,000। तो यहाँ पे देखिए, 0 से 2.5 लाख तक 2.5 लाख रुपए थे, यानी उस पर टैक्स 0 हो गया। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आए तो 5 लाख पे, तो ये जो 2.5 लाख रुपए है इस पे 5% टैक्स है, यानी 12,500 रुपए। फिर 5 से 7.5 लाख तक फिर से 2.5 लाख रुपए बने, तो 2.5 लाख पे 10%, यानी 25,000 रुपए टैक्स हो गया। और अब देखिए, 7.5 लाख रुपए हो चुके हैं, तो 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में, यानी जो हमारी सैलरी वो यहाँ बीच में आएगी, तो 7.5 लाख के ऊपर सिर्फ 81,869 रुपए बचे, इस पे 15% टैक्स बनेगा जो कि 12,280 होगा। तो यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो 49,000 हुआ। अब टैक्स के ऊपर एक सेस लगता है जिसे अधिभार कहते हैं, वो 4% होता है, एक 2% + 2%, तो 4% होता है। तो ये लगभग 50,000 है, इसका हमने 4% निकाल लिया, तो लगभग
52,000 के आसपास आपका न्यू टैक्स कैलकुलेशन से टैक्स बन रहा है। अगर आप देखें तो ये आपकी एक महीने की सैलरी के बराबर है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं और उसको हर महीने अपनी सैलरी से कटवाते हैं ताकि उन्हें एट द एंड जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि एट द एंड अगर ये दो महीने की सैलरी से कटेगा 25-25 हज़ार तो काफी ज्यादा फील होता है फिर। यहाँ पे आप ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन देखें। ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन से आपको दिख रहा होगा ये टैक्स बहुत कम है, तो अभी हमारे लिए यही फायदेमंद है। आप देखिए यहाँ पे हमारी इनकम 5,37,000 रुपए ली जाती है, तो 5,37,000 रुपए कैसे, जीरो से 2.5 लाख तक, तो 2.5 लाख हुआ वो जीरो हो गया, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, फिर 2.5 लाख रुपए हुए तो 12,500 रुपए, और फिर सिर्फ 37,000 रुपए ही बने जो कि ये डिफरेंस है। तो 37,000 रुपए का 20% यानी इतना, और ये हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, इस पे सेस भी ऐड कर दिया, तो सिर्फ 20,000 रुपए टैक्स बना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर कोई आपको किसी किसी पॉइंट पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एचआरए का भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर हम एचआरए को यहाँ पे बढ़ा दें, मैंने रेंट 8,300 लिया था तो इस वजह से टैक्स बन रहा था। अगर मैं रेंट को जैसे सपोज किसी का दिल्ली में अपना खुद का घर है तो वो ऐसे शो कर सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स को रेंट देता हूँ और वो अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड ऑफिस में दे सकता है। तो अगर हम सपोज यहाँ पे 8,300 की जगह मैंने 12,000 लेट कर लिया कि मैं 12,000 मंथली रेंट देता हूँ, तो ये देखिए कैलकुलेशन कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो 10% वाला रिबेट आपको पहले दिख रहा था, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे पहले आपको 32,000 रुपए कुछ दिख रहा था, वो अब 80,000 हो गया है, और आपकी देखिए सैलरी जो है वो 5 लाख से नीचे चली गई है। तो न्यू टैक्स कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें डिडक्शन में कोई फर्क ही नहीं था, लेकिन ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन देखिए जीरो हो गया है। तो अभी भी अगर आप 4,600 रेट पे में ज्वाइन करते हैं और आप रेंट इतना दिखा सकते हैं तो आपका अभी भी टैक्स जीरो हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ इस डिडक्शन में होम लोन वगैरह लेते हैं तो आपका टैक्स बहुत आराम से जीरो हो जाएगा, इस सैलरी में भी जीरो हो जाएगा। पर नॉर्मली जो लोग रेंट पे रहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि उनको ओनर का पैन कार्ड चाहिए होता है, वही सबसे मेन इशू होती है। तो इसलिए 8,300 तक दिखाने के लिए कोई पैन कार्ड नहीं देना होता, इसलिए सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से भी लगभग 20,000 या 21,000 रुपए टैक्स बनता है। टैक्स थोड़े दिन आप बचा सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सैलरी बढ़ने लगती है आप टैक्स नहीं बचा सकते, फिर आपको टैक्स पे करना होता है। एक अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद से ही आपको गेस करना चाहिए कि आपकी सैलरी का एक महीने की सैलरी आपकी लगभग टैक्स पे चली जाएगी। और ग्रुप ए ऑफिसर बनते बनते अगर कोई जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बना और अंडर सेक्रेटरी बना, अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी डायरेक्टर बनते बनते ही आपकी जो लगभग 2 महीने की सैलरी टैक्स में जाने लगती है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप खुद भी चाहें तो पेन पेंसिल लेकर कॉपी में आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद भी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसमें आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको शीट की जरूरत हो, इस शीट की जो मैंने आपको दिखाई, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं वो शीट आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर, सी यू सून।